Children, myself Ajay Kumar from the holy city of Kasi, that is Varanasi. I welcome you to my channel Now Section. बच्चों आज मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूँ और ये साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में आ सकते हैं और भी क्लास नाइन्थ के लिए। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा क्लास इलेवेंथ के बच्चों के लिए कि अभी कई बार मैंने ऐसे पेपर दिखाया हुआ है तो एक और एनालिसिस मैं दिखा दूंगा आपको, एक आइडिया आपको लगेगा कि क्लास इलेवेंथ में भी कई क्वेश्चंस क्लास नाइन्थ के आ रहे हैं। ये बेशक तो आपके लिए ईजी होगा लेकिन बस आप इसको देखते जाइए और जो चीज़ें नहीं आए नोट डाउन करते जाइए। तो मैंने ओरिजिनल पेपर आपको दिखाए हुए हैं, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसको आप जरूर देख लीजिए, चाहे वो श्रेष्ठा का हो चाहे वो बच्चों पीएमएसएसवी का हो। मैंने लास्ट टाइम भी हमेशा बताया है कि एनटीए ही दोनों एग्जाम को लेता है, दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है बच्चों, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ और इसके पहले बच्चों बताना चाहूँगा कि मैं हिंदी में भी चीज़ों को बताऊँगा तो हिंदी मीडियम वाले फिर बच्चे परेशान होने लगते हैं कि सर आपने हिंदी में नहीं दिखाया, हिंदी में नहीं बताया, फिर जब हिंदी बताते हो तो इंग्लिश वाले परेशान होते हैं। तो बच्चों कुछ इंग्लिश और हिंदी थोड़ा मिक्स लेके चलेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका बच्चों मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ ये राघव प्रकाशन की बुक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बच्चों मिल जाएगा इसका, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, क्लोरोफिल, सनलाइट, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर। तो सामान्य चीज़ें हैं, आप ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है हिंदी मीडियम बच्चों को, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपको पता है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड नेसेसरी, द ग्रीन पिगमेंट विच इज फाउंड इन आवर लीफ, जो पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। इसके बाद है सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। कई बच्चे ऑक्सीजन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर बच्चों इसलिए सही है, चारों चीजें आवश्यक हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। एक चीज बच्चों ये बताइएगा कि हम लोग कहते हैं कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन पेड़ देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है, जो हवा, ये जो पेड़ साफ करते हैं हवा को ऑक्सीजन देते हैं, वो कब देते हैं ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज स्टोर्ड इन आवर मसल्स विच कॉजेज क्रैम्प्स, हमारे जो मांस है मांसपेशियों में कौन सा चीज स्टोर होता है जिससे हमें ऐठन होती है, दर्द महसूस होता है। तो काफी बार बताया गया बच्चों, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज वाटर, इट इज लैक्टिक एसिड और अल्कोहल। द एग्जैक्ट आंसर इज लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्यों बनता है, क्यों बनता है, द रीजन बिहाइंड इज दैट कि जब भी ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन और चाहिए होता है, लेकिन वहाँ मसल्स तक उतने ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाते हैं, इस वजह से ही लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जो कि धीरे धीरे दर्द कैसे ख़त्म होता है, जब धीरे धीरे हम रेस्ट करते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन पहुँचता है तो उससे लैक्टिक एसिड फिर से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ये बच्चों आया हुआ है सवाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट, एक तरह की हमारे लिए प्रैक्टिस हो जाती है। तो आपका ये जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है अमीबा में, पैरामीशियम में, हेन में और WBC में, सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वॉज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाई इंडिया, तो इंडिया के पहले पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो कौन सा था, ठीक है। तो इसका बच्चों आंसर है हमारा आर्यभट्ट, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, ये देखिए बच्चों, मैच द फॉलोइंग है, ये है नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट और देयर वर्क और उनके काम, ठीक है। तो क्वेश्चन होता है इसके जरिए, पत्तियों में बच्चों जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे 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 छेद पाए जाते हैं, ठीक है, वो उसी को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेक लिखा है बच्चों, ये स्टोमेटा होगा, ठीक है, स्टोमेटा कहते हैं। और ये छेद पाए जाते हैं ये, और इसके जरिए क्या होता है, पानी रिसता है, पानी निकलता है, ठीक है। इसके बाद है जाइलम, जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है, पानी, जैसे ज़मीन से जो पानी उठता है बच्चों, ठीक है,
वह ऊपर पत्तियों तक भी जाना है, ठीक है। तो ये जाइलम एक पाइप की तरह समझ जाइए कि पाइप है, इसके जरिए जा रहा है। तो जाइलम के जरिए ये पानी जाता है, और फ्लोएम, फ्लोएम के जरिए बच्चों फूड जाता है, खाना जाता है। फो से देखिए, फ्लोएम फ है ना, ठीक है, फ से ही फूड ले लीजिए आप, ठीक है, फ से फूड ले लीजिए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, फ्लोएम का फूड है, जाइलम का वाटर है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। रूट हेयर, जो जड़ों में छोटे छोटे हेयर बने रहते हैं पतले पतले, उनका काम होता है पानी को सोखना, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसलिए इसका बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ नेचुरल पॉलीमर, इसमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, बेकलाइट है या सिल्क है या केवलर है या लेग्जेन है। तो बच्चों जो सिल्क है वो हमारा नेचुरल पॉलीमर है, मतलब अपने से प्राकृतिक रूप से बनता है। क्वेश्चन 37 है, दी ऑर्गेनिक एसिड फाउंड एविडेंटली इन ग्रेप्स इज, तो ग्रेप्स में हमने कई बार बताया हुआ है, नींबू में अलग चीज़ पाया जाता है, ठीक है, इमली में अलग चीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ग्रेप्स जो है में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, आप मुझे बताइएगा, अम्ला, अम्ला हो गया, लेमन, नींबू हो गया, इसमें कौन सा एसिड, ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है, ये मुझे बताइएगा बच्चों। ऑर्गेनिक एसिड को बच्चों ऐसे समझिएगा, वो एसिड, वो अम्ल जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। बेशक अभी इससे हम लैब में बना भी सकते हैं। विच इज कॉल्ड द मेटल ऑफ द फ्यूचर, मतलब भविष्य का धातु किसे कहते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइटेनियम। ये बच्चों इसका इस्तेमाल काफ़ी हल्का होता है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है एरोप्लेन्स और एयरक्राफ्ट बनाने में, क्योंकि इसका बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ है जो इसको उपयोगिता प्रदान करती है। अब देखिए इसमें डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40। तो पहला क्वेश्चन है, एसर्शन है, द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल रीचेज द स्टेम एंड लीव्स बाय बींग पुल्ड। सेकेंड रीजन, अ सक्शन फोर्स इज क्रिएटेड ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, ठीक है। तो ये एसर्शन है और ये इसका रीज़न है। तो हम पाते हैं, देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, चारों ऑप्शंस देख लें, क्योंकि दोनों के लिए उसी तरीके से हमें करना है। इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, कथन को एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें क्या है कि दोनों सही हैं लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। थर्ड है, इफ एसर्शन इज ट्रू, एसर्शन ट्रू है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, एसर्शन गलत है लेकिन कारण सही है। तो बच्चों प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर है, पहला होगा कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका 40 का आपका 1 हो गया, सॉरी 39 का आपका 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 हम देखें, विटामिन आर एनर्जी इन्हेंसिंग सब्सटेंसेस हुज इनटेक इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर गुड हेल्थ। तो ये सही बात है, विटामिन हमें जो हैं एनर्जी देते हैं और इसका इस्तेमाल हमें बहुत थोड़ी मात्रा में करना पड़ता है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो सके। कथन तो सही है भाई, कारण देखें, विटामिन हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी हेल्दी बाई कीपिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, बाई किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया। तो हमारा बॉडी जो है बैक्टीरिया को विटामिन के जरिए जो है मारता है और इस तरह से हमें वो मदद करता है, ठीक है। तो ये कथन और कारण बच्चों इसके दोनों सही हैं, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखें, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, अब हमें यहाँ पेयर्स देखना है और इसको मैच करना है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं लेमन कैंकर, ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, ये तो भाई पहला मैच है। वीट ट्रस्ट, ये होता है फंगस की वजह से, ये भी मैच्ड है। लेडी फिंगर पेस्ट, ये होता है आपका वायरस की वजह से, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, मैंने काफ़ी बार पूछा है, बहुत बच्चों ने सही उत्तर दिया है। मैंने पूछा है कई बार कि वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में, ठीक है, लिक्विड में और एयर में स्पीड कैसे होती है, कैसे कैसे घटती जाती है। तो वैसे ही है बच्चों, ये देखिए सॉलिड में सबसे ज़्यादा, इसके बाद लिक्विड में, इसके बाद हवा में, ठीक है। तो हम देख रहे हैं वैक्यूम में तो ट्रैवल करता ही नहीं है साउंड, ठीक है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन,
तो याद रखिएगा वैक्यूम है, सबसे ज़्यादा उसकी रफ्तार मैक्सिमम जो साउंड होगी वेलोसिटी की वो मेटल में होगी, इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चों सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखें, विच मेटल हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिजली को कौन कंडक्ट करेगा, सिल्वर, कॉपर, अच्छा फिर से कॉपर प्रिंट हो गया, और अल्मीनियम, तो यहाँ बच्चों सिल्वर इसका आंसर है, कोई और भी ऑप्शन रह सकता था लेकिन सिल्वर हमेशा याद रखिएगा वही ऑप्शन सही होता है। हाउ डज द स्टार गेट देयर एनर्जी, तारों को उनकी ताकत एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है, ठीक है, तो ये है बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, विच पार्ट ऑफ द लिविंग सेल इज कॉल्ड पावर हाउस, जो सेल का पार्ट होता है किसको हम पावर हाउस कहते हैं, जहाँ पर ऊर्जा बनती है, तो वो क्या सेल वॉल है, सेंट्रियोड है, माइटोकॉन्ड्रिया है या होल सेल है, तो बच्चों है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, तो 45 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखें, ये बच्चों नाम याद होना बहुत ही ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, वन लाइनर की तरह भी आप इसको याद कर लीजिएगा, ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसके बाद है एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को कहेंगे, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहेंगे, और कॉस्टिक सोडा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं NaOH को कहते हैं, तो इस तरह से 46 का आपका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखें, अरेंज द फॉलोइंग ड्यू टू देयर रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटते हुए क्रम में हमें इसे लिखना है, तो सबसे पहले बच्चों है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बाद स्लाइडिंग है, इसके बाद रोल वाला फ्रिक्शन, सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही, क्योंकि क्रम आपको याद करना जरूरी है, क्रम देखिए आगे पीछे करके हमेशा कन्फ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मैनी लेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड मास, मतलब बहुत लेयर्स में बटा है लेकिन जो लैंड का मास है, जमीन का मास जो मेन है, वो किस लेयर में आता है, ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा अर्थ क्रस्ट। 49 है, विच आर द चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल, जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें क्या क्या होता है, तो बच्चों उसमें देखिए फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है, इसलिए इसका आंसर बोथ होगा ऑप्शन नंबर 3। और बच्चों ये देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो अगर आपको चाहिए होंगे सोशल स्टडी के तो आप मुझे बताइएगा, तो ये भी मैं इसको बता दूंगा और समझा दूंगा। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, तो हमारे आँख के किस भाग में इमेज बनता है, ठीक है, तो ये है बच्चों क्या हमारे प्यूपल पे, कॉर्निया पे, रेटिना पे कि आयरिस पे, तो ये इमेज जो बनती है, प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारे रेटिना पे बनता है, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आ गया हो, और कैसा लगा आज का वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।